पवित्र तीर्थ नगरी पुष्कर स्थित हनुमान जी के मंदिर में करीबन 6 फीट लंबा ब्लैक कोबरा निकला। सांप निकलने से मंदिर परिसर में फैली दहशत, मंदिर में भक्तों और पुजारी में बना हुआ भय। पुलिस मित्र सर्प रेस्क्यू टीम ने किया अब तक का सबसे महत्वपूर्ण रेस्क्यू। मंदिर पुजारी पंकज पाराशर ने बताया कि मंगलवार का दिन है और भक्तों का हनुमान जी के दर्शन के लिए तांता लगा हुआ था। मारवाड़ बस स्टैंड स्थित हनुमान जी के मंदिर में मेरे पिताजी रोज की तरह पूजा पाठ करने आते हैं। जैसे ही उनको सांप दिखाई दिया तो वे घबरा गए और सांप सांप चिल्लाते हुए कमरे के बाहर आ गए। मंदिर में मौजूद भक्त भी सांप को देखकर डर गए। मुझे फोन कर पिताजी द्वारा सूचना दी गई, तभी तुरंत प्रभाव से पुलिस मित्र टीम इंचार्ज अमित भट्ट को मामले की जानकारी दी गई। अमित भट्ट अपनी सर्प रेस्क्यू टीम के साथ मौके पर पहुंचे, जहां टीम द्वारा सर्प का रेस्क्यू शुरू किया गया। मंदिर परिसर में बने फर्श के बिल में सांप घुस जाने पर कड़ी मशक्कत पुलिस मित्र टीम सदस्यों को करनी पड़ी। काफी मशक्कत करने पर भी सांप पकड़ में नहीं आया, तो उसके बाद जमीन की खुदाई शुरू की गई। करीबन 2 से 3 घंटे खुदाई करने पर ब्लैक कोबरा सांप का रेस्क्यू सर्प रेस्क्यूअर राजेंद्र वच्छानी, मनीष कुमावत और अजय नाथ द्वारा किया गया। वहीं पुलिस मित्र टीम सदस्य मनीष कुमावत ने बताया कि मारवाड़ बस स्टैंड स्थित हनुमान जी के मंदिर में सांप की सूचना मिलते ही हमारी टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद ब्लैक कोबरा सांप का रेस्क्यू कर मंदिर में उपस्थित भक्तों और पुजारी को भयमुक्त किया गया। सांप को वन क्षेत्र में सुरक्षित छोड़ दिया गया है। मारवाड़ बस स्टैंड पे हमारा मंदिर है बावड़ी के बालाजी का। यहाँ पे मेरे पिताजी रोज सेवा पूजा करने के लिए आते हैं, तो सुबह वो जब यहाँ पर पूजा करने के लिए आए तो उनका मेरे पास कॉल आया कि यहाँ पे सांप है। तो उन्होंने बताया कि सांप भी बहुत बड़ा है, तो मैंने जितना जल्दी से जल्दी हो सका हमारे पुलिस मित्र टीम में भैया है अमित भैया, उनके पास जाके मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि आप वहाँ से अब जल्दी से जल्दी उस सांप का रेस्क्यू किया जाए। तो अमित भैया तुरंत पिंटू भैया के पास जाके पिंटू भैया को लेके यहाँ पे पहुंचे। यहाँ पे कड़ी मशक्कत के बाद में कम से कम 3 घंटे तक रेस्क्यू चला और इनके सहयोग से, इनकी पूरी टीम के सहयोग से 3 घंटे बाद में ये ब्लैक कोबरा का आज रेस्क्यू किया गया है। सांप इतना ज़्यादा जहरीला और खतरनाक था कि इन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं करते हुए पूरी अच्छी तरह से सब कुछ रेस्क्यू करके आज सबको यहाँ पे, मतलब मैं तो समझता हूँ कि इस टीम को पूरे तय दिल से सैल्यूट आज। थैंक यू। मेरा नाम पंकज पाराशर है, मैं इस मंदिर से ही हम पुजारी हैं। सुबह शाम पापा ही मेरे यहाँ पे पूजा करने के लिए आते हैं। मैं अगेन आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा भैया।